हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फोर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा पीपल एज ए रिसोर्स। तो हमारा चैप्टर सेकेंड जो है इकोनॉमिक्स का, वो कंटिन्यू है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पीपल एज अ रिसोर्स। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर फीलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। इसमें हमारा टॉपिक जो है वो आज का अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन जो डेली वेजेस है उस पर भी उसको जॉब जो है वो नहीं मिल रही है, क्लियर, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल जो एरिया है जैसे गाँव है, और जो शहरी एरिया है अर्बन एरियाज़, वहाँ पर दोनों जो है डिफ़र करती हैं, यानी दोनों जगह अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज़, रूरल जो एरियाज़ हैं उसमें देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें सीजनल और डिस्गाइज्ड टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी हैं, शहर हैं, वहाँ पर कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लियर। अब ये होती क्या है वन बाय वन हम समझेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब जो लोग हैं एक पर्टिकुलर ईयर के कुछ मंथ में उनको काम ना मिले, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे देखिए एग्जांपल है, पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे कुछ महीनों में तो क्या होता है कि खेती होती है, फसल होती है, तो उस समय काम होता है, क्लियर, इनकम होती है। लेकिन कुछ महीनों में क्या है, उस समय कोई काम नहीं होता है और इनकम भी नहीं होती है, तो वो जो है क्या होती है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके अलावा जैसे जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में जैसे बारिश का टाइम होता है तो कंस्ट्रक्शन वो लगभग जो है बंद हो जाती है, तो उस टाइम जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनको भी काम नहीं मिलता है, तो ये भी क्या है, ये भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो लगता है कि काम में लगे हुए हैं, बट एक्चुअल में अगर वो काम ना करें, उसकी जगह कम काम करें, तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे मान लीजिए खेत में जो है वो जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन वहाँ पर 25 आदमी लगे हुए हैं तो उतना प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर वहाँ पर 20 आदमी लगते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्रोडक्शन उतना ही रहता है, यानी 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो 5 लोग जो है उनके लिए क्या है, उनके लिए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लियर। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे डिड फाइंड वर्क, दे यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो सब एग्रीकल्चर में लगे हुए होते हैं, बट एक्चुअल में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, क्लियर, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनके लिए वो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल, जैसे जो काम है उसमें 5 लोग चाहिए, बट एंगेज 8 पीपल, लेकिन 8 लोग लगे हुए हैं, देन 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 पीपल क्या है, वो एक्स्ट्रा हैं। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, अगर 3 लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो फील्ड जो है उसको 5 लोगों का काम चाहिए और 3 जो लोग हैं वो क्या हैं, दे आर अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या टाइप्स हैं। वन इज सीजनल, सेकेंड इज डिस्गाइज्ड, एंड थर्ड इज अर्बन। सीजनल क्या है, व्हेन पीपल डोंट गेट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन मंथ ऑफ द ईयर, ईयर के कुछ मंथ्स में जब उनको जो है क्या नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, दैट इज सीजनल। नेक्स्ट डिस्गाइज्ड,
डिस्गाइज दैट इज 8% आर डूइंग द वर्क ऑफ 5%. 5% की जगह 8% काम कर रहे हैं, दैट इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. थर्ड है अर्बन, डिग्री होल्डर्स आर अनएबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. अब जो ये अर्बन है इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो डिग्री होल्डर है जिन्होंने एमए कर ली, बीए कर ली, और वो क्या है, घर बैठे हुए हैं, केवल डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, तो क्या वो उनको केवल डिग्री लेने से एम्प्लॉय मिल जाएगा, क्या उनको रोज़गार मिल जाएगा? नहीं मिल रहा है. तो ये क्या है, ये एक तरह की जो है क्या है, अर्बन जो है अनएम्प्लॉयमेंट है. क्लियर है, यानी शिक्षित बेरोज़गारी है. नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए कॉमन फिनोमिनन. अर्बन एरियाज जो होते हैं उनके अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है. क्लियर, जो इसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, डिग्री होल्डर जो है वो बैठे हुए हैं लेकिन काम नहीं है. स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स. अब एक स्टडी ने क्या शो किया है कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं, यानी जिन्होंने बीए कर ली, एमए कर ली, वो लोग अब ज़्यादा जो है बेरोज़गार हैं. किसके कंपैरिजन में, जो 10वीं पास हैं उनके कंपैरिजन में. क्लियर, यानी डिग्री होल्डर उनके पास जो है काम नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इससे जो मैन पावर है, जो रिसोर्सेज है, मैन पावर इज़ द सुपीरियर रिसोर्सेज, तो मैन पावर जो है वो एक तरह से उसका वेस्टेज हो रहा है. लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं इन जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी में. ठीक है, तो यानी एक तरह से वो जो है इंडिया के ऊपर या किसी भी कंट्री जहाँ पर भी अगर इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर वो बोझ बने हुए हैं. क्लियर, सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपीयर अमंग द यूथ. यूथ जो है, जो यंग लोग हैं, जब उनको काम नहीं मिलता तो वो होपलेस हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं, यानी एक तरह से पूरी तरह से टूट जाते हैं. क्लियर, विच टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. और इससे जो है जो इकोनॉमी है उसके ऊपर जो है क्या है, और भी ज़्यादा दबाव पड़ता है, ओवरलोड होती है इकोनॉमी. द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. सो जो अनएम्प्लॉयड है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर और ज़्यादा लोड बनता है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज़ एडवर्सली इफेक्टेड. और जो लोगों की क्वालिटी है लाइफ की और जो सोसाइटी की क्वालिटी है वो क्या होती है, एडवर्सली अफेक्टेड होती है. उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस तरह की अनएम्प्लॉयड का, कि जब जो लोग हैं वो इतने पढ़ लिख के भी बेरोज़गार रहते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारी इंडिया की. हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरह से बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट आप कह सकते हो, डिट्रीमेंटल इफेक्ट यानी हार्मफुल इफेक्ट हैं किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, हमारी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर. क्लियर, इकोनॉमी वो डिक्रीज करती है, वो इंक्रीज नहीं करती है. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी. तो जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी का एक तरह से उसका इंडिकेटर है. इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज. इससे वेस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिनको हम बहुत ही आप कह सकते हो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सारे वेस्ट हो जाते हैं. यानी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता है इकोनॉमी में, GDP में. ठीक है, और देश के ऊपर एक बोझ बनता है. If people cannot be used as resources, they naturally appear as a liability to the economy. ठीक है, तो अगर जो है लोगों जो resources हैं हमारे, human resources है, उसका use नहीं होता है तो ये क्या है, economy के ऊपर एक तरह से liability दिखती है. To deal with this problem, we have to create new employment opportunity in different sector. इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी. क्लियर, ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें अलग अलग जॉब जो है वो क्रिएट की जाएँ ताकि लोगों को रोज़गार मिले. ठीक है, और इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो और इकोनॉमी हमारी वो बढ़े. अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत ही आसान हैं, तो आइए करते हैं इनको डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट टर्म को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू बी अ सिचुएशन व्हेन पीपल विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट. लोग जो है काम करने के इच्छुक हैं, जो भी वेज है, जो भी उनको मिलेगा, लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता, वो अनएम्प्लॉयमेंट है. सेकेंड देखिए,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल और डिस्गाइज्ड में क्या डिफरेंस है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हेन पीपल डोंट गेट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर, तो सर्टेन मंथ्स में जो है उनको काम नहीं मिलता, दैट इज़ द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक फार्मर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं एट्सेट्रा। सेकेंड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दिस इज़ अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड फॉर दैट वर्क दैन द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब। ये वो सिचुएशन है जिसमें लोग जो है वो ज़्यादा लगे हुए हैं, इतने लोगों की ज़रूरत उस जॉब के लिए नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर में ये सबसे ज़्यादा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं उनको आपको मेंशन करना है। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉवर्टी को इंक्रीज़ करता है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, तो जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं उसको जो है क्या है वो वेस्ट होती है ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है यूथ्स हैव अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, यूथ के अंदर एक होपलेसनेस आती है और यूथ जो है वो किसी भी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो वेल्थ है, ठीक है, धन है किसी भी कंट्री का यूथ। नंबर 4, इट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक बर्डन, इससे इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ता है। देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, इससे जो टोटल इकोनॉमी है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, हाउ, तो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कैसे। सो दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यूथ इज़ मोर एज कम्पेयर टू मेट्रिकुलेशन, जो MBBA जो बच्चे करके बैठे हैं वो अनएम्प्लॉय हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता, एंड दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, और इससे मैन पावर रिसोर्स जो है वो उसकी वेस्टेज हो रही है। सो दिस इज़ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सेक्टर डू यू थिंक इंडिया कैन क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो कौन सा सेक्टर है जिसमें इंडिया जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। अब इंडिया वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, और इंडिया जो है उसी जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा उसमें सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकता है। सो इंडियन कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइमरी सेक्टर ऑक्यूपेशन, प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्ट जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, पोल्ट्री, माइनिंग एट्सेट्रा, इनमें सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये थी आपके आज की SST की वर्कशीट स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर, बाय बाय।